काफी चर्चित उनका जो एक सराहना अंदाज आया, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को या योगी सरकार को चुनौती दिया था, मुस्कुराते हुए नजर आए और जो सराहना अंदाज था उनका, कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि वो डरे नहीं है और सरकार से डरते नहीं है, इस तरह के मुख्तार अंसारी का जो एक सराहना आया है उस पर क्या कहेंगे, शायद क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी अपनी बात कहने का, बोलने का, हर आदमी स्वतंत्र है। और अब वो अपनी बात कह रहे हैं तो उनको कहने का अधिकार है। कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या आपको कहां से लगता है कि भारत टूट रहा है जिसको भारत को जोड़ रहे हैं वो लोग? मैंने पहले ही कहा कि पार्टियों के साथ लोगों को जोड़ने के लिए पार्टियां नाम दे करके यात्रा निकालती हैं, रैली करती हैं, सभा करती हैं। भारत जब अलग अलग था तो भारत को जो खंड खंड में अलग अलग सूबों में राजा हुआ करते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राजाओं को समझा बुझा करके एक अखंड भारत की रचना की। तब से भारत तो नहीं टूटा। हाँ, नेता टूटते हैं, यहाँ से टूट के उस पार्टी में, उस पार्टी से टूट के उस पार्टी में, यही तो हम देख रहे हैं। भारत ना तो टूटा है ना टूटेगा, ना भारत को कोई खतरा है, भारत के पास अपार ताकत है, शक्ति है हर दुश्मन से निपटने। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि मेरे भाई ने फतेह कवच पहना है, भगवान उसमें उसकी ठंड से या अन्य सभी दिक्कतों से रक्षा कर जाते हैं, तो देखते हैं इसको। तो हनुमान जी की भगवान राम की लड़ाई में भी जिन लोगों ने भगवान राम को विजय दिलाया उनको भी भगवान राम ने कवच पहनाया हुआ है कड़ाके की ठंड में, ना घर है ना दुआर है वो भी ठंड से जूझ रहे हैं ना, जिसको बानर कहते हैं। मैं सुबह उतरा नीचे जा रहा था तो सीढ़िया को वहीं बेचारा एक गुलिया को वहीं बैठा था, हमने सलाम किया, उनके बोलो भैया क्या बात है, तो वो इशारा किया आता है हमको लगता है वो यहाँ, तो अब घर वाले अपना कुछ उसको दक्षिणा थमाए होंगे तो लेके चला गया। दलाई लामा का एक बयान आया है कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को चाइना को चेतावनी दिया है कि ये जो आज का जो भारत है वो जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, वो कांग्रेस का भारत नहीं है, मोदी का भारत है, ये कहीं ना कहीं चुनौती दिया है चाइना को दलाई लामा ने। और उसके बाद से देखा जा रहा है कि एक महिला जो जासूस है वो कहीं ना कहीं इन पर आतंकी हमले करने की चाइना ने साजिश भी रची है, इसका खुलासा भी सरकार ने किया है। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, दलाई लामा का बयान वो पहले का भारत नहीं मोदी का भारत है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में देश की सुरक्षा के लिए सेना है, बॉर्डर पे सीमा लगी हुई है, ना कोई नेता लड़ने जाता है ना कोई भारत का नागरिक जाता है, हमारे आपके बीच से हमारे आपके बच्चे जो सेना में भर्ती हैं वही सीमा पर लड़ते हैं, वही देश की सुरक्षा करते हैं। जिस चीज़ की चर्चा होनी चाहिए देश प्रदेश में, आज बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी कैसे कम हो इस पे चर्चा ना तो कोई नेता करने को तैयार है, ना कोई डिबेट टीवी पर होने को तैयार है। महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, इस पे डिबेट कोई नेता करने को तैयार नहीं। आज शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब से शिक्षा दूर होती जा रही है, इस पे चर्चा करने के लिए किसी नेता के पास समय नहीं। आज गरीब इलाज के बगैर मर रहा है, उसको व्यवस्थित इलाज कैसे उसके यहाँ पहुंचे इस पे चर्चा करने के लिए किसी के पास समय नहीं। जो विदेशी ताकतें भारत पे जासूसी का काम या किसी तरह का षड्यंत्र रच रही हैं उसके लिए हमारी खुफिया तंत्र है, हमारी सेना है, हमारी फौज है, वो काम कर रही है, वो लड़ेगी, उस पे हम आप चर्चा करके क्या कर सकते हैं? काम तो सेना को करना है, खुफिया तंत्र को करना है, देश की जिम्मेदारी देश की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री उनको चिंतन करना है, राष्ट्रपति को चिंतन करना है। चाइना में कोरोना को लेकर के जिस तरह से महामारी फैला हुआ है, चाइना में राष्ट्रपति कलाम में लोगों की मौतें भी हुई है जैसे खबरें आ गई हैं,
और चाइना जो है वो भारत की वैक्सीन की डिमांड कर रहा है। क्या लगता है कि आज के दिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना ही है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन देखा जाए तो चाइना है, तो क्या ऐसे में भारतीय वैक्सीन चाइना को देना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, ना देश कोई किसी का दुश्मन है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना गए थे, कई देशों का दौरा किए। कोई सरकार रहती है तो उस प्रधानमंत्री जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। हमारे जो विदेशी दूत हैं, दूतावास कहते हैं भारत के, जो दूत हैं वो दौरा करते हैं, आते जाते हैं। अभी कई देशों का इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री और अधिकारी गए हैं कई देशों का दौरा करने के लिए। ये तो सिर्फ सीमा पे जो लड़ाई होती है ना, हमने बात किया था, तो सीमा पर गोलीबारी ना हो तो फैक्ट्रिया कैसे चलेंगी, तो ये भी सवाल है। क्या आपके नजर में चाइना और पाकिस्तान भारत का कोई दुश्मन नहीं है, कोई देसी दुश्मन नहीं है? सब अपने अपने हथियार तैयार बना करके रखे हुए हैं। चीन अगर आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकालने की भी हैसियत भारत के पास है। नहीं, अगर दुश्मनी दिखाएगा तब। अभी कोई दुश्मनी आपको नजर नहीं आता है पाकिस्तान और? देखिए भैया, पॉलिटिक्स जो राजनीति होती है ना, आज आप चर्चा कर रहे हैं चाइना का, कम से कम 7 साल से चमच सुन रहा हूँ कि चाइना भारत में प्रवेश कर रहा है। ये खबरें आप तक भी पहुंच रही हैं, हमारे यहाँ तक भी आ रही हैं। देश की खुफिया एजेंसी सरकार को भी इस बात की खबर है कि भारत की जमीन पर वह धीरे धीरे फैलता है। शुरुआत में ही अगर रोक दिया जाए तो फिर वो कहीं कोई खाली कराने की जरूरत पड़े। तो सबकी अलग अलग सोच है। आपकी नजर में अध्यक्ष जी, जहां तक आपने महंगाई की बात कही, बीजेपी के एक मंत्री बलिया के, उन्होंने कहा था कि महंगाई है कहां, सरकार फ्री में भोजन दे रही है, फ्री में मकान दे रही है, फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था दे रही है, तो फिर महंगाई क्या कहां है? बलिया के मंत्री का ये जवाब था। उन्होंने सही कहा, राशन फ्री मिल रहा है, राशन तो फ्री मिल रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर जो 350 का था अभी 1120 का ना मिल रहा है, 1180। ये तो महंगा हुआ है। जो मोटरसाइकिल 45,000-50,000 की थी, आज वो 90,000-95,000 की हो गई, ये तो महंगा है। जो गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां 20,000-22,000 की थी, आज वो गाड़ियां 40,000-42,000, 38,000-35,000 की, ये तो महंगा है। महंगाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा महंगी हुई है, दवाइयां महंगी हुई है। जब आप खरीदने जाएंगे वहां तब ना आपको मालूम होगा कि का महंगा है का सस्ता है। भोजन राशन सरकार फ्री दे रही है तो जरूर तो कहेंगे कि स्वागत भाई, सस्ता है, फ्री दे रहे हैं राशन, फ्री दे रहे हैं दवाई, फ्री दे रहे हैं, जो फ्री दे रहे हैं तो कहा कहना कि काम आया। ये प्रियंका गांधी का कहना है कि दो उद्योगपतियों ने मिलकर पूरे देश को खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। तो उनका भाई बिक रहा था मार्केट में कहीं। मार्केट में जब कोई माल बिकता तब ना कोई खरीदता है, मतलब पूरा देश नहीं खरीद रहा। तो कोई चीज जैसे रेलवे बेचने की तैयारी हुई तब ना अडानी अंबानी खरीदे, अगर बेचने की हम अपने इस मकान को ना बेचे तो कोई खरीदने वाला आएगा नहीं आ सकता। एक और सवाल, वो प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा से हर देश के हर गली मोहल्ले में मोहब्बत की फ्रेंचाइजी खोलने की बात कर रही है, 40 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? 40 साल तो कांग्रेस को काम कर लेना चाहिए। कांग्रेस की लंबे समय शासन के बाद उनकी व्यवस्था से उबे हुए लोग कांग्रेस का साथ छोड़कर के इधर आए। आज जो बीजेपी के साथ लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ही इधर आ गए।